नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैब। तो दोस्तों, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की फोर्थ इंस्टॉलमेंट यानी सूर्यवंशी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे सूर्यवंशी मूवी का। तो दोस्तों, कैसी है फिल्म और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है आपको इस मूवी में, बात करेंगे दोस्तों इस मूवी रिव्यू में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इस मूवी रिव्यू में कि क्या है इस मूवी में खास और क्या है इस मूवी से जुड़े कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स। लेकिन आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी को एस्टेब्लिश किया गया है मुंबई में, जहां से हमें देखने के लिए मिलता है कि मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड टीम के पास मुंबई पर होने वाले एक टेरर अटैक की इंफॉर्मेशन है, जिसको रोकने की जिम्मेदारी आती है डीसीपी वीर सूर्यवंशी पर। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि मुंबई पर होने वाले इस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है सीमा पार बैठा हुआ लश्कर खान, जो अपने इस मकसद को अपने बेटों और अपने दो साथियों उस्मान और बिलाल की मदद से पूरा करना चाहता है। इसी के साथ दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी जब आगे बढ़ती है, तब आता है इस मूवी की स्टोरी में एक ट्विस्ट, जहां से हमें देखने के लिए मिलता है कि इंडिया में रह रहे लश्कर के एक बेटे को एक दिन मुंबई पुलिस जैसलमेर से अरेस्ट कर लेती है, जहां से शुरू होता है मुंबई पुलिस का 600 किलो आरडीएक्स ढूंढने और इंडिया में लश्कर खान के स्लीपर सेल्स को ढूंढने का मिशन। जिसके बाद दोस्तों, इस मूवी में हमें देखने के लिए मिलते हैं ढिशुम ढिशुम और धाएं धाएं से भरपूर एक्शन सीन्स। इसी के साथ दोस्तों, इस मूवी में हमें देखने के लिए मिलते और मिलती हैं रोहित शेट्टी स्टाइल में उड़ती हुई गाड़ियां, चॉपर्स और हेलीकॉप्टर्स। तो दोस्तों, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं मुंबई पर होने वाले इस अटैक को रोकने के लिए डीसीपी वीर सूर्यवंशी और मुंबई पुलिस के सामने, और दोस्तों क्या लश्कर खान, उस्मान और बिलाल अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। कहानी के अलावा दोस्तों, डायरेक्शन और राइटिंग की अगर बात की जाए, तो इस फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी की कहानी जितनी अच्छी थी, उस तरह से रोहित शेट्टी का डायरेक्शन कुछ एवरेज नजर आता है, क्योंकि रोहित शेट्टी अपनी इस मूवी का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखने वाली राइटर्स टीम के साथ इस मूवी को लेकर कई अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से रोहित शेट्टी की मूवी सिर्फ धाएं धाएं चलती हुई गोलियों के रिदमिक साउंड इफेक्ट और ब्लास्ट के बाद उड़ती हुई गाड़ियों और उन गाड़ियों से निकलने वाले फायर इफेक्ट वाली फिल्म बनकर ही रह जाती है। क्योंकि दोस्तों, रोहित शेट्टी की ये मूवी अपनी फिक्शनल स्टोरी में जिस तरह मुंबई में हुए 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इंडिया में हुए दूसरे कई टेरर अटैक और इस्लामिक टेररिज्म वर्सेस इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के राष्ट्रवाद जैसे सीरियस इश्यूज को बेस बनाने के बाद जिस तरह सिर्फ अपने कैमरा फ्रेम को गाड़ियों से भरने की कोशिश करते हैं और मूवी के कुछ सीन्स में अपने डायलॉग्स के साथ जिस तरह के ह्यूमर्स को डालने की कोशिश करते हैं, वो सब इस मूवी में देखने और सुनने के बाद लगता है कि इस मूवी की कहानी के राइटर्स अपनी बात कहने में कुछ कम कॉन्फिडेंट दिखाई दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, ट्रेलर में दिखाए गए 600 किलो आरडीएक्स कहां छुपा है जैसे सवालों के साथ क्रिएट होने वाले सस्पेंस को भी इस मूवी की राइटिंग अच्छी तरह से बनाए रखने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती है, जिसके बाद ऑडियंस भी कुछ कंफ्यूज दिखाई देती है कि वो आह करे या वाह करे। इसके अलावा दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी के कैरेक्टर्स को जितने बैलेंस्ड तरीके से लिखा गया है या कहानी में फिट किया गया है, वो काम दोस्तों इस मूवी के राइटर्स का अच्छा था। लेकिन इस मूवी में दिखाए गए एक्शन सीन्स को मिलने वाले स्क्रीन टाइम की वजह से इस फिल्म की कहानी में लिखे गए कुछ नेगेटिव और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल मुंबई के ऊपर होने वाले टेरर अटैक को लेकर इस मूवी की स्टोरी में बनने वाले सस्पेंस को बनाए रखने के मामले में यहां भी बात दोस्तों कुछ आधी अधूरी सी नजर आती है, जिसकी वजह से ये मूवी अपने इंटरवल से कुछ पहले और इंटरवल के कुछ बाद तक अपनी कहानी कहने के अंदाज में कभी अपनी पकड़ खोती है तो कभी अपनी पकड़ बनाती है। इसके अलावा दोस्तों, मूवी की सिनेमाटोग्राफी और बीजीएम अच्छा है, जो आपको अपने साथ बांध कर रखने की पूरी कोशिश करता है। इसके अलावा दोस्तों, एक्टिंग की अगर बात की जाए, तो यहां दोस्तों जिस तरह से इस मूवी के कैरेक्टर्स के डायलॉग्स को लिखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए इस मूवी के सभी एक्टर्स के पास एक्टिंग में कुछ खास करने की गुंजाइश कम ही नजर आती है। तो दोस्तों, कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो अगर आप सीरियस सिनेमा देखना पसंद करते हैं और मूवी में दिखाई गई और बोली गई हर बात की तह में जाना पसंद करते हैं, तो यह फिल्म बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सीरियस सिनेमा विद कुछ कुछ एंटरटेनमेंट वाला सिनेमा देखना पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपको कुछ ठीक ठाक लग सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस मूवी को सिर्फ रोहित शेट्टी स्टाइल में होने वाले एक्शन सीन्स और उसके बाद आपको मिलने वाले एंटरटेनमेंट के साथ ही हमारे फेवरेट स्टार अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह के लिए देखना चाहते हैं, तो आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए जरूर जाएं। यह मूवी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, आप इस मूवी को फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा सूर्यवंशी मूवी का रिव्यू। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस मूवी को लेकर क्या है आपकी राय। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो इस मूवी को देखने के बाद मुझे जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों सिनेमा पसंद करने वाले अपने साथियों के साथ आप हमारे इस रिव्यू को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट ऐसे ही दिलचस्प मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।